क्या हाल चाल है? मत पूछ यार, बहुत ही बुरा हाल है। कभी लाइट चल रहा जाती है, कभी पंखा चल रहा जाता है, कभी एसी चल रहा जाता है। एक ये मेरा नेबर है, इतनी आराम से उसकी लाइफ इतनी चिल है। मस्त स्वाइप करा, गेट खुल गया, लाइट चल गई, बोला ओपन द डोर, गेट खुल गया। कैसे हो रहा है ये? हम कहाँ पीछे रह गए? ऐसी कौन सी मीटिंग है जहाँ हमें नहीं बुलाते? हाँ यार, सुना तो है कि वो होम ऑटोमेशन से रिगार्डिंग कुछ चल रहा है अभी। सब कुछ हर कोई वो होम ऑटोमेशन से रिलेटेड ही कर रहा है। हर एक चीज़ स्मार्ट आती जा रही है कि भाई स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट
टेलीविजन, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट एसी, हर एक चीज़। हाँ वो एलेक्सा वगैरह से और उससे गूगल वो होम का उससे कुछ स्मार्ट होम क्या है वो उससे होता है। हाँ यश, आप जो बोल रहे हैं ना वो सही है, लेकिन स्मार्ट होम के कुछ एडवांटेजेस भी है। मतलब आप घर के सभी जो आपके अप्लायंसेस है वो आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो, लाइक फैन हो गया, फ्रिज हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, मतलब आपकी जो एनर्जी वो सेव होती है। हाँ यार है तो, लेकिन उसमें क्या है कि अभी के लिए इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इतनी उसमें एनहेंस नहीं आई है कि भाई वो हर एक कमांड को या हर एक चीज़ को, हर एक वॉइस कमांड को इफेक्टिवली कैप्चर कर सके। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ और तुम बोल रहे हो तो फिर उसमें क्या है कि एक साथ वो जो है एक का ही लेगा या दोनों में से डिफरेंस नहीं कर पाएगा, तो उसमें वो प्रॉब्लम आ रही है। अभी फ्यूचर आस्पेक्ट देख सकते हैं कि उसमें जो है कि लाइक आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे एडवांसमेंट हो सकते हैं, तो तब के लिए थोड़ा सही रह सकता है। उसके बाद में ऐसे कुछ सेंसर्स आते हैं कि उसके हेल्प से आप जो है ना घर की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा सकते हैं, मतलब सिक्योरिटी इंटू 100 हो सकती है। और अगर आपके घर में कोई एल्डर वंस है तो उस और आपके चिल्ड्रंस है तो उन पर भी आप ध्यान रख सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे घर पे सब ठीक ठाक है कि नहीं। उसमें सही है, लेकिन अभी क्या है कि उसमें अभी मैं जैसे बताता हूँ कि अभी एक ने लिया था तो उसका क्या था कि लाइक जब वो वॉइस कमांड दे रहा था तो फिर उसमें क्या आ रहा था कि लाइक पीछे रेडियो चल रहा है या कुछ चल रहा है तो वो उसके भी वॉइस कमांड कैप्चर कर रहा था। तो अगर ऐसी चीज़ है तो फिर उसके लिए तो सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम आएगी ना। लाइक अगर आप होम ऑटोमेशन के से ही चल रहे हो सब कुछ कि भाई होम ऑटोमेशन से ही सब कुछ कर जाएगा, तो आपका वॉइस कमांड कोई रिकॉर्ड कर सकता है और उसके बाद फिर वो बाद में उससे आपके घर में एंटर हो जाएगा, तो उसमें तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना कि फिर तो आपकी कोई सिक्योरिटी रही नहीं है। प्लस अगर आप कोई कमांड दे रहे हो और उसके बाद फिर वो वापस आ रहा है, लाइक कि आपने कुछ कमांड दिया है पीछे रेडियो चल रहा है तो उससे फिर वो रेडियो की आवाज़ कैप्चर कर रहा है आपकी नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ें अभी इसमें एडवांसमेंट आने जरूरी हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है मे बी। और स्मोक सेंसर आते हैं, मतलब अगर घर में कुछ आग लग जाए वगैरह तो स्मोक सेंसर डिटेक्ट करके आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन देते हैं कि मतलब घर पे आग लग गया है, तो आपको सब मोबाइल से ऑपरेट हो सकता है। इसे बहुत कुछ एडवांटेजेस भी है, पर उसके लिए अपने आप को स्मार्ट होना पड़ता है कि आप कैसे यूज़ करते हो। हाँ यार, मेरा एक दोस्त है तो उसको क्या है कि चीज़ें भूलने की आदत है, तो वो क्या है कि बार बार यही ध्यान में रखता रहता है कि वो बंद करके आया है सही में ही चीज़ें, मतलब कि टीवी, फ्रिज, ये सब लाइट्स वगैरह ऑफ करके आया है या नहीं, तो उसके लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मेरा भी एक फ्रेंड है, बट ही इज रियली एंजॉयिंग हिज स्मार्ट होम। Oh!
ज्यादा कंफ्यूज कर दिया मेरे को, जा रही हूँ मैं। That's all we're doing.